गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, पार्ट सेकेंड मार्कोनिकोव रूल के बाद एंटी मार्कोनिकोव रूल जिसको हम कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, ये एलिफैटिक कंपाउंड से रिलेटिव है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार देखने को मिलता है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, एनईपी के लिए। तो देखिए एंटी मार्कोनिकोव रूल, जैसे हम कहेंगे परऑक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसमें क्या होता है, जो मार्कोनिकोव रूल में माइनर प्रोडक्ट बनता था वो यहां मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये क्यों बनता है, रेडिकल के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसमें हम देखेंगे वन ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, एसिमेट्रिक एनसिमेट्रिक एनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विथ एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, बात करें परऑक्साइड आर टू ओ टू, फॉर्मेशन ऑफ वन ब्रोमो प्रोपेन, फुल स्टॉप। दिस इफेक्ट इज नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी का मीनिंग होता है मार्कोनिकोव रूल का अपोजिट। मार्कोनिकोव रूल में टू ब्रोमो प्रोपेन बनता है, हमने HCl लिया था तो टू क्लोरो प्रोपेन बना, अगर HBr लिया होता तो क्या बनता, टू ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो ये कह रहा है कि उसका अपोजिट बनेगा, वन ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। ये किसके कारण होता है, परऑक्साइड के कारण। जहां पर भी आपको HMU दिया गया हो या परऑक्साइड दिया गया हो या पर एसिड दिया गया हो जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो वो हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, तो इसे हम अपोजिट में कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट आए या एंटी मार्कोनिकोव रूल आए। तो इसकी थ्योरी होगी, रिएक्शन देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्कीन हो गया, इसी पे ध्यान देंगे। अगर ये CH2 होता सिमेट्रिक हो जाता तो एनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसके पास एक एल्कीन ग्रुप है, इसके पास कोई भी नहीं है, या इसके पास वन हाइड्रोजन है, इसके पास टू हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा एनसिमेट्रिकल एल्कीन, जिसका नाम क्या होता है, वन प्रोपीन, ENE, वन प्रोपीन। इसके रिएक्शन हम कर रहे हैं HBr से, तो इससे बनाएंगे तो मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा, टू ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट बनेगा इससे। तो इसमें क्या लेते हैं, परऑक्साइड आर ओ ओ आर, ये एस्टर होता, अगर आर ओ आर होता एस्टर होता तो डबल ओ आ गया है, तो पर ऑक्साइड हो गया है, तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, कह रहे हैं CH3 CH Br और यहां पर CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2 Br, ये बन गया
2 ब्रोमो प्रोपेन, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो जाएगा मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट, ये एंटी मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट या परऑक्साइड प्रोडक्ट, परऑक्साइड प्रोडक्ट, और इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिए, अगर हम मार्कोनी कॉफ रूल की बात करें तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा था, वहां माइनर बन रहा था, ये मेजर बन रहा था 2 डिग्री कार्बोकेटायन के कारण, और एंटी मार्कोनी कॉफ रूल है परोक्साइड की वजह से ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा या माइनर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बनाना है। इसमें जब भी हम परोक्साइड लिखेंगे तो आपका 3 रेडिकल रिएक्शन होगी। तो ध्यान दीजिए मैकेनिज्म करना क्या है, जब भी आपको पर ऑक्साइड दिखे या पर एसिड दिखे तो इसका हमें 3 रेडिकल बनाना है। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप होगा, फिर रेडिकल ट्रांसफर स्टेप होगा, फिर आपका टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, इनिशिएशन स्टेप, और रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप। अब इसमें हमारे पास परऑक्साइड है, HBr है, एनसिमेट्रिकल एल्किन है, तो सबसे ज्यादा जो फोटोन को अब्जॉर्ब करता है वो करेगा परऑक्साइड, देन उसके बाद क्या बनेगा, रेडिकल बनेंगे। तो देखिए R O O R परऑक्साइड, इसको हमने फोटोन दिया तो इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, देन कहाँ चला जाएगा, ये जा गया ग्राउंड स्टेट, देन कहाँ चला जाएगा, R O R एक्साइटेड स्टेट, देन इसके बाद बॉन्ड क्लेवेज होगा, वो भी कैसा, होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। देखिए बॉन्ड जो टूटता है यहां से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके टूटेंगे फिस हुक एरो से, ये और ये, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस आर ओ रेडिकल, ये बन गया 3 रेडिकल। देन इसके बाद रेडिकल ट्रांसफर होगा, स्टेप सेकेंड, प्रोपागेशन स्टेप और रेडिकल ट्रांसफर स्टेप, रेडिकल ट्रांसफर स्टेप। अब देखिए K
क्या है हमारे पास? टू मोल आर ओ रेडिकल के हैं। तो इससे पहले अब हमारे पास एनसीमेटिकल एल्कीन है और एच बी आर है, तो सबसे पहले जो अटैक करेगा एच बी आर करेगा एनसीमेटिकल एल्कीन से ज्यादा। आर ओ रेडिकल प्लस एच बी आर, ये देखिए कैसे टूटेगा। यहां पर भी शेयरिंग के टू इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन का है और एक बी आर का है, तो ये इधर गया, ये इधर गया टूट के, एच रेडिकल बी आर रेडिकल। तो जब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है आपका बी आर रेडिकल, तो बी आर रेडिकल सॉरी एच रेडिकल, एच रेडिकल इससे अटैक कर लेगा, तो ये क्या बना देगा? आर ओ एच, ये बन गया एल्कोहल प्लस एच सॉरी बी आर रेडिकल, ये बच गया है। ये बी आर रेडिकल अब अटैक करेगा किस पे? एनसिमेटिकल एल्किन से। स्टेप थर्ड, यहां पर भी रेडिकल ट्रांसफर हो रहा है, बी आर रेडिकल अटैक ऑन एनसिमेट्रिकल एल्कीन, एनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो देखिए एनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास क्या है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस बी आर रेडिकल। दो कंडीशन हो सकती है इसके अटैक करने की। यहां देखिए ये बॉन्ड इधर को टूटे और इधर को टूटे तो दोनों जगह रेडिकल आ जाएगा, यहां भी रेडिकल यहां भी रेडिकल। अब ये बी आर कहां पे अटैक करेगा वो हम इसमें देखेंगे, सी एच थ्री सी एच सी एच टू रेडिकल रेडिकल। दूसरा भी बना लेते हैं, सी एच थ्री सी एच सी एच टू रेडिकल रेडिकल। देखिए टूटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं बी आर, सपोज करो यहां पर जुड़ गया, यहां पर बी आर जुड़ गया, देन सेकंड में बी आर यहां पर जुड़ गया, तो जो जैसे ही कार्बोकैटायन का स्टेबल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वैसे ही फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो ध्यान दीजिए, सपोज करो इस कार्बन पे एक ही एल्किल ग्रुप है, वन डिग्री कहलाएगा, इस कार्बन पे टू डिग्री है, टू एल्किल ग्रुप है, टू डिग्री फ्री रेडिकल, ये वन डिग्री रेडिकल, अगर थ्री होंगे तो थ्री डिग्री रेडिकल कहलाएगा। सेम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री। अब देखिए यहां पर क्या है, एक सी एच थ्री इधर को है और एक कार्बन इधर को है, तो ये कहलाएगा टू डिग्री रेडिकल रेडिकल, ये कहलाएगा। देखिए इसके ऊपर इसके साइड एक ही है पूरा ग्रुप, ये कहलाएगा वन डिग्री रेडिकल, ये क्या होगा? मोर स्टेबल, और ये क्या होगा? लेस स्टेबल। इसको ऑफ इसके सॉल्व ले लीजिए, टू स्टेप और बची है इसकी। स्टेप थर्ड ये हो गई, स्टेप फोर्थ में क्या करेगा, एच बी आर रेडिकल जो यहां पर हमारे दो आर ओ रेडिकल बचे थे, एक तो हमने यहां यूज कर लिया है, एक और बचा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टू मोल एच बी आर के भी लेते हैं, एक एच बी आर का और लेते हैं,
स्टेप फोर्थ, इसमें भी आपका रेडिकल ट्रांसफर होगा, आर ओ रेडिकल रिएक्ट विथ अदर मोल ऑफ एच बी आर। ध्यान दीजिए, आर ओ रेडिकल प्लस एच बी आर कैसे अटैक करेगा? ये रेडिकल इधर को, इसमें टू इलेक्ट्रॉन है, ये इधर को, ये इधर को, तो अटैक सबसे फास्ट करेगा कौन? एच अटैक करेगा, तो इससे बन जाएगा आर ओ एच एल्कोहल, सॉरी इससे बी आर अटैक करेगा, बी आर हमने यूज कर लिया था। यहां बी आर अटैक करेगा, या तो आप इसको दिखा दो, टर्मिनेशन स्टेप दिखा देते हैं। तो मोलू से स्टेप फोर्थ में हम टर्मिनेशन स्टेप दिखा लेते हैं। टर्मिनेशन स्टेप और कॉम्बिनेशन स्टेप, और इसे कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। ध्यान दीजिए, वी आर रेडिकल अटैक करेगा तो हमारे पास टू मोल है सी एच थ्री, जो हमारा स्टेप थर्ड में बना था, सी एच सी एच टू बी आर रेडिकल, और दूसरा क्या था, सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू रेडिकल, ये बना था हमारा टू डिग्री रेडिकल, ये वन डिग्री रेडिकल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, तो इस पे हमारा आ जाएगा बी आर रेडिकल, कंबाइंड हो रहा है, एक ही मोल है, इसके हम दो जगह अटैक दिखा रहे हैं। एक तो क्या करे, ये आपस में कंबाइंड हो जाए, ये बन जाएगा सी एच थ्री सॉरी एच रेडिकल, यहां पर एच रेडिकल आएगा, एच रेडिकल और एच रेडिकल। तो ध्यान दीजिए, एक तो एच रेडिकल यहां पे अटैक कर ले सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर बना ले, या क्या कर ले यहां पे अटैक कर ले सी एच थ्री सी एच बी आर और ये सी एच थ्री। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये बना परऑक्साइड, परऑक्साइड प्रोडक्ट, या इसे कहते हैं एंटी एम कैपिटल लिखना, मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट, इसको हम मेजर भी लिख सकते हैं, सॉरी यहां मेजर ऐसे रहने दो, ये बन जाएगा मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया परऑक्साइड इफेक्ट, जिसमें हम एंटी मार्कोनी कॉफ रूल भी कहते हैं। तो इसमें वन ब्रोमो प्रोपेन बनता है, इसमें टू ब्रोमो प्रोपेन बनता है, इसका भी लिख लो वन ब्रोमो प्रोपेन, ये टू ब्रोमो प्रोपेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मार्कोनी कॉफ रूल,
हो गया और एंटी मार्कोनिकोव रूल भी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।